नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत बेहतरीन होंगे। जैसा कि आप सभी का कमेंट आया था कि सर हमें डीएलएड के मैथ के कॉपी के तरीके बता दीजिए, कैसे स्टेप्स लिखें। सर हम बार बार फेल हो जाते हैं, हमको सब कुछ आता रहता है फिर भी सर एक दो नंबर से बैक लग जाता है। ऐसी बातें सर हमारे साथ एक से नहीं दो दो बार बैक लग चुका है सर। इस बार लास्ट है, इस बार बता दीजिए, नहीं तो अन्यथा मैं फिर से फेल हो जाऊंगा और ऐसे बच्चों के कैटेगरी में आ जाऊंगा जो बच्चे 3 बार बैक के बाद पेपर देते हैं। अब हो सकता है 3 बार बैक के बाद पेपर अब न हो, तो हम डिटेल में बात करेंगे। आप लोग अंत तक बने रहेंगे प्रशिक्षुओं कि कैसे कापी लिखेंगे मैथ की, वैसे सभी सब्जेक्ट की कापियां कैसे लिखेंगे इसके बारे में मैंने डिटेल में बात किया है। कुछ दो तीन बातें बस ध्यान में रख लेना है, इसके बाद आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, सारे फंडों का एक फंडा है, पढ़ना तो पड़ेगा। जो बच्चा पढ़ेगा वही पास होगा, जो नहीं पढ़ेगा वो फेल होगा। इसके लिए कोई भी गारंटी नहीं है। हाँ, गारंटी की गारंटी मैं लेता हूँ, अगर आप पढ़ेंगे तो पास होंगे, ये गारंटी पे गारंटी मैं लेता हूँ, जिस प्रकार से हमारे मोदी जी कहे हैं भाई, वैसे भी हम भी लेते हैं क्योंकि हम पढ़ाएंगे प्रशिक्षकों को। और आप सभी के इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैराथन इस संडे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इस संडे से स्टार्ट होगा। डेली क्लासेस चलना शुरू हो जाएंगे आपके महा मैराथन के, यानी एक सब्जेक्ट एक दिन में मैं फिनिश करूंगा, डीएलएड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के और सेकंड सेमेस्टर के सभी क्लासेस यहाँ पे कंप्लीट पढ़ाए गए हैं, बेसिक और प्लस प्रीवियस ईयर पेपर भी। आप आए प्लेलिस्ट में देख लें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाए, वहाँ पर भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो सुनिएगा, हमारी 5-6 बातें हैं, इसको ध्यान से और बिल्कुल केयर करने हैं आपको इन सब चीज़ों को, ठीक है ना। तो ये पहले तो यह हमें पढ़ना पड़ेगा, किसी भी सूरत में पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चे नहीं पढ़ते उनके लिए भी अंततः पास हो सकते हैं पूरी स्ट्रेटजी जानने के बाद। जिनका मैथ कमजोर है वो भी पास होंगे, निश्चित पास होंगे, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिएगा। देखिए पहले तो कॉपी जब मुझे पेपर मिले तो एक सरसरी निगाह से, बच्चे कहते हैं सर पढ़ने में ही समय लग जाएगा, भाई कितने बड़े आप वो योद्धा हो, मतलब कि ना पढ़ने वाले हो कि नहीं पढ़ पाओगे, एक सरसरी निगाह से क्वेश्चन को नहीं देख सकते। जवाब देने के लिए तो आप जवाब देते हैं, उल्टा जवाब दे देंगे, लेकिन एक सरसरी निगाह से 5 मिनट पेपर को पढ़ा जा सकता है। जिन बच्चों को लगता है सर पढ़ने में टाइम लगेगा ना, वो पढ़ाई छोड़ दें। पहली बात तो यह है, अगर आप डीएलएड नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो सुपर टेट का ख्वाब मत देखिए, यूपी टेट का ख्वाब मत देखिए, बीपीएससी का ख्वाब मत देखिए भाई, इतना ध्यान में रख लो प्रशिक्षु। अगर जिस प्रकार से आप डीएलएड यूपी टेट में पास होते चले जाएंगे, सुपर टेट में भी वैसे पास हो जाएंगे, फिर क्या दिक्कत है, फिर घुसपात देकर पास हो जाइएगा, नौकरी पा जाइएगा, फिर बाबा जी डंगा बजाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे भाई। तो ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को कि आपको किस प्रकार से पास होना है, 4-5 स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं। पहले तो यह हमें पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे। दूसरी बात यह कि हमें जो क्वेश्चन सबसे पहले आ रहा होगा पेपर में, उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेंगे पहले, इसके बाद मैं आगे बताने जा रहा हूँ जो उसको करेंगे। दूसरी बात मतलब तीसरी बात कि पेपर को देने से पहले मैं अच्छे से पढ़ लूंगा, तभी तो हमें पता चलेगा कौन सा अच्छे से आ रहा है क्वेश्चन। मैं उस क्वेश्चन, अगर 12-16 क्वेश्चन आते हैं, 16-17-18 क्वेश्चन होते हैं, 18 क्वेश्चन में से मुझे 4 क्वेश्चन भी अच्छे से नहीं आते क्या? मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा अगर आप अच्छे से पहले ही लिखेंगे, तो एग्जामिनर प्रेशर में आके आपके बाद वाले का आंसर का गलत उत्तर भी रहेगा ना क्वेश्चन का, तो भी आपको नंबर मिल सकता है, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि 90% चांस होते हैं कि आपको नंबर मिल जाए, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना वक्त नहीं होता कि आपके एक एक क्वेश्चन वह लिखे देखे पढ़े, समझ रहे हैं ना। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे, और अपने से आगे वाले को आप कभी कॉपी नहीं दिखाएंगे। इसका वजह यह होता है कि कॉपी स्टार्टिंग से चेक होती है, तो सबसे पहले उसकी चेक होगी फिर आपकी चेक होगी, कॉपियाँ नहीं दिखाएंगे। मतलब कि हमने यह नहीं कहा कि आप उसे बताइए मत, आप उसे बताइए, आप उसे प्रोसेस दिखाइए, सॉरी बताइए, लेकिन दिखाइए मत, अपनी कापियाँ छपवाइए मत, ये ध्यान में रख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। दूसरी बात होगी, मतलब तीसरी बात हो गई। चौथी बात यह कि कटपिट कापी पे कम करें, इफेक्टिव बनेगी कापी तभी जब आप कटपिट कम करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपको कापी से ही जानेगा, आपको हूबहू आपको पर्सनली नहीं जानता है कि आप बहुत तेज हो क्लास में, सारे टीचर आपकी पढ़ाई करते हैं, टेस्ट में अच्छे नंबर लाते हो, नहीं, कापी के हुलिये से आपको पहचानेगा कि आप अच्छे बच्चे हैं या फिर नालायक हैं, पढ़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो कॉपी को एकदम अच्छे से सजा के थोड़ा सा लिखना है, स्टार्टिंग में हम लिखेंगे। अभी हम मत कहना सर सजा के लिखने लगेंगे तो समय व्यतीत हो जाएगा, भाई 1 घंटे मतलब कि हम बता दें 20 मिनट पर्याप्त होता है, 15 मिनट पर्याप्त होता है डीएलएड की सारी क्वेश्चन करने में, किस कहाँ के मतलब कि आप मतलब कैसे पढ़ते हो फिर, नहीं अगर 15-20 मिनट में कर पाते हो तो प्रैक्टिस करिए भाई। अभी भाई आपके पास 20-25 दिन का समय है, 20-22 दिन का, आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं करोगे तो फिर भुगतोगे आगे, फिर 1 साल लेकर
टहलोगे फिर, समझ गए ना, एक साल बाद एग्जाम होंगे फिर बैक वालों का, क्योंकि ऑड इवन चल रहा है। चौथी बात और ध्यान में रखना है हमें यह कि जिस भी क्वेश्चन को हम करना शुरू करें उसको नेक्स्ट पेज से शुरू करें, यह ध्यान में रखना। अगर लेंदी लग रहा है प्रश्न है तो हम आधे प्रश्न कर लेंगे फिर वहीं से दूसरा प्रश्न करना शुरू कर देते हैं तो उसका उत्तर दूसरे पेज पे आ जाता है, जिससे एग्जामिनर यह सोच लेता है कि इतना ही बच्चा किया है पहले, क्योंकि पहले वाला जो आप स्टेप्स किए होते हैं उसको पहले देख लेता है, वह सोच बैठते हैं या कि एग्जामिनर सोच बैठता है या कि बच्चा आगे नहीं किया होगा तो उसी पर नंबर दे देता है। आगे जब एग्जामिनर जाता है तो उसको दिखता है बच्चा पूरा क्वेश्चन किया है तो क्या करता है भाई, उसको आलस से आ जाता है तो उस पर वह नंबर न देकर आगे बढ़ जाता है। तो ऐसे घटनाएं घटते हैं मैक्सिमम टाइम, तो इसको ना करेंगे, आपके पास पेज पर्याप्त होता है, आप नेक्स्ट पेज से क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे, कम से कम शॉर्ट वाला और लॉन्ग वाला हमेशा याद रखेंगे ना, मतलब हमें नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है। और जिस भी क्वेश्चन को आपको नहीं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उस क्वेश्चन का सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है मुझे, और उस पर भी नंबर मिलेगा, क्योंकि अगर वह क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन पे आप मतलब कि नहीं आता जो क्वेश्चन आपको उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है, अगर बिल्कुल भी नहीं आता है तो मैं बात कर रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको वहाँ पर लिख डालिए, बस हो सके तो अपने आसपास से उसका आंसर पूछ लीजिए बच्चों से और लास्ट में उसका उत्तर लिख दीजिए और प्रोसेस दूसरे क्वेश्चन का कर दीजिए, आपको नंबर मिलेगा, श्योर है 80% चांस है कि आपको नंबर मिलेगा, ठीक है ना। ये मैंने भी देखा है प्रसन्नों के साथ, ये मेरा अनुभव है 2-3 सालों का जो मैं बता रहा हूँ जब से DLED से जुड़ा हूँ, ठीक है प्रसन्नों। तो आप लोग प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी कापियों को जिस प्रकार से हमने बताया उसी स्टेप्स को फॉलो करिए, बाल ब्लैक पेन और ब्लू पेन इसका इस्तेमाल करिएगा भाई, और लाइनिंग वगैरह जैसे खींचते हैं वैसे खींचिएगा, सफाई की ज़रूरत है सफाई ज़रूर करिएगा, कट पिट नहीं करिएगा, लेटर्स वगैरह थोड़े बड़े लिखिएगा जिससे एग्जामिनर के, क्योंकि प्राचार्य होते हैं थोड़े बुजुर्ग होते हैं कुछ लोग, तो मैक्सिमम लोग तो जिससे कि आपकी कापियाँ अगर उनके हाथ में जाती हैं तो काटना शुरू कर देते हैं, उनको नहीं दिखाई देता है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपकी कापियाँ इफेक्टिव तभी बनेंगी अगर उनके निगाह में एक बार इफेक्टिव बन गया स्टार्टिंग पेज तो लास्ट तक आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। धन्यवाद, अगर कोई भी भूल चुका हो तो माफ़ी करिएगा, मैराथन के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बेसिक क्लासेस देखिए अन्यथा कंडीशन में आप फेल हो सकते हैं। धन्यवाद।